हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सलीश नर्सिंग एकेडमी पर एक और नई नर्सिंग वैकेंसी की अपडेट के साथ में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा हमारा जो ये चैनल है सलीश नर्सिंग एकेडमी, ऑल इंडिया से जो है नर्सिंग वैकेंसी की अपडेट और हर एक नर्सिंग मेडिकल की प्रोफेशन करता है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट नया है, चाहे नर्सिंग का हो, मेडिकल लाइन का हो या फिर पैरामेडिकल का हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा पास में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, ये वैकेंसी मैं लेके आया हूँ रोगी कल्याण समिति ऑफिसर ऑफ द मेंबर सेक्रेटरी श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल से, और 18 मार्च को जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं इसमें आगे। देखिए, आपसे एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं और ये जो एप्लीकेशन है ये पूरा मैंने PDF मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर फ्रेंडली कनेक्शन। तो दोस्तों, एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल आपकी जो है ये वैकेंसी होने वाली है। इसके अलावा कौन से हॉस्पिटल में रहेगी तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल दादरा एंड नगर हवेली। दोस्तों, कि आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, इसमें 27 मार्च रहने वाली है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उसको फिलअप करके जो है भेज देना है, मैं बताऊं जिस एड्रेस पर। चलिए बात करेंगे इसमें। दोस्तों, काफ़ी वैकेंसी है। देखिए, इसमें न्यूरो सर्जन की भी है, ऑपरेशन मैनेजर की भी है, जिसमें आपसे MD DNB MCH और मास्टर इन एडमिनिस्ट्रेटिव MBA का आपने कर रखा है तो वो। इसके अलावा इसमें स्टाफ नर्स की हम बात करेंगे तो स्टाफ नर्स में देखिए आपकी एक ही पोस्ट है, 27 साल तक के ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और इसमें आपसे क्या मांगी है, HSC साइंस और इक्विवेलेंट 10-12 जनरल नर्सिंग विभागरी GNM आपने की हो या फिर BSc नर्सिंग की हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी चाहे कोई सी भी हो आपकी, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से जो है रजिस्ट्रेशन होना इसमें ज़रूरी मांगा गया है, तो इसमें आप ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हो। देखिए, एक पोस्ट है, BCR आपको इसमें सैलरी मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट को जॉब नहीं मिल पा रही है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। देखिए, इसमें डायलिसिस टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है, जिसमें आपसे मांगा गया है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन की। 18,000 आपको 900 सैलरी इसमें मिलने वाली है। एज लिमिट आपकी 27 साल से उम्र नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें आई बैंक टेक्नीशियन की भी है, जिसमें काफ़ी इसमें वैकेंसी होने वाली है। डिग्री और डिप्लोमा इन आई बैंक का आपसे इसमें जो है सर्टिफिकेट मांगा गया है। 17,000 इसमें सैलरी रहने वाली है। देखिए दोस्तों, इसमें फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी रहने वाली है। सभी में 27 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और आपसे 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है फार्मासिस्ट में। 17,000 इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है। देखिए दोस्तों, इसमें आपसे LDC की भी पोस्ट दी गई है, एक पोस्ट है और 27 साल के से ऊपर इसमें अधिक उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। आपसे 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है और आपके पास जो है LDC का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है तथा आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान आवश्यक है। 15,500 इसमें सैलरी है। ओके, और कंप्यूटर असिस्टेंट की भी इसमें मांगी गई है आपसे वैकेंसी। 2 पोस्ट है, 27 साल से उम्र नहीं होनी चाहिए, 10,500 सैलरी है, 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास और आपकी अच्छी स्पीड है कंप्यूटर में 35 WPM की, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हो। देखिए, इसमें नर्सिंग ऑर्डरली की भी वैकेंसी है और 2 पोस्ट है, 27 साल के ऊपर आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, 10-12 मांगी गई है तथा आपके पास हॉस्पिटल का रेपुटेटर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है फर्स्ट एड का। 13,000 इसमें आपकी सैलरी है। तो दोस्तों, इसमें इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं और काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। करना क्या है अप्लाई के लिए, तो दोस्तों ये नीचे जो आपको फॉर्मेट दे रखा है फॉर्म का, तो यहाँ पे आपका फ़ोटो, आप किसे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, ठीक है दोस्तों, या सभी अपना इसको भर के अपनी एज क्वालिफिकेशन सभी कुछ लिख के आपको जो है 27 तारीख से पहले भेज देना है। और किस एड्रेस से भेज देना है, ऑफिस ऑफ द मेंबर सेक्रेटरी RKS श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल सिलवासा, पिन कोड 3962630 पे सेंड कर देना है दोस्तों, ठीक है। और कुछ नहीं करना, उसके साथ में आपको अपने अटेस्टेड फोटोकॉपी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपकी सभी डिटेल भर के अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग जो है आपको भेज देना है इस एड्रेस पे, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है या तो आपको इस साइट पे अवेलेबल मिल जाएगा या फिर आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जो है दोस्तों मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को निकलवा लेना। PDF मैं आपको भेज दूँगा टेलीग्राम व्हाट्सएप पर और आप इसको जो है सेंड कर सकते हो दादरा और हवेली हॉस्पिटल में जो एड्रेस आपको बताया गया है। 27 मार्च इसमें लास्ट डेट है। स्टाफ नर्स की एक पोस्ट है, नर्सिंग ऑर्डरली की आपकी
दो पोस्ट है और भी इसमें अदर वैकेंसी है। तो दोस्तों जिस वैकेंसी के लिए भी आप योग्य हो उस वैकेंसी में आप अप्लाई कीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए। दोस्तों ऑल इंडिया से हम वैकेंसी कवर करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में जो है बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर एक वैकेंसी आप तक सबसे पहले पहुँच सके, चाहे वो नर्सिंग की हो, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो अदर हो। तो दोस्तों इसी तरह सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों एक और नई नर्सिंग वैकेंसी या फिर अदर वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।